आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। एक आशा जन रसोई, जी हाँ मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरबाड़े और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हम गौतम गंभीर की जन रसोई में मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंदर स्पेस है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर आ रहे हैं और खाना खा रहे हैं। जी हाँ, ये जो थाली है 1 रुपये की है, जो काफ़ी दाम कम है, जो जितने भी श्रम एरिया के लोगों, खासकर जो दिहाड़ी मजदूरों के लिए है, वो काफ़ी राहत भरा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहुँचना, 1 रुपये की थाली है। जो समय है 12 से 2 बजे तक का है, मंगल से रविवार सोमवार बंद रहता है और आज हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करवाएंगे कि 1 रुपये की थाली उनको कैसी लगती है। बहुत टेस्ट, बस फाउंडेशन की एसोसिएट जो मैनेजर है मेरे साथ है शालू जी। कितना अच्छा काम लगता है किसी गरीब को खाना खिलाना, वो भी 1 रुपये में। बहुत खुशी होती है मैम, बहुत खुशी होती है। और 1 रुपये हमने थाली की कीमत इसलिए रखी हुई है ताकि लोग सम्मान पूर्वक खाना खा सके। वैसे बहुत खुशी होती है क्योंकि जनसेवा खाते हैं यहाँ पे मैम। डेली 350 से 500 लोग खाना खाते हैं। क्या क्या मिलता है थाली? डेली का मेन्यू अलग अलग होता है यहाँ पे। कभी कढ़ी चावल होते हैं, कभी छोले चावल होते हैं, कभी राजमा चावल होते हैं। मंडे हमारा किचन बंद रहता है, वैसे पूरे हफ्ते चलता है। लोग आते होंगे, फीडबैक भी देकर जाते होंगे? बहुत लोग फीडबैक देके जाते हैं मैम, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं। तो सर, अभी कोरोना भी चल रहा है तो किस तरह से यहाँ पर प्रोटोकॉल का पालन? यहाँ पर 1 रुपये का टोकन बाहर से दिया जाता है और एक बार में 25 लोगों को हम लोग अंदर भेजते हैं, क्योंकि हमारी स्टैंडिंग यहाँ पर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 25 लोगों के। टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है और डेली यहाँ का टेस्ट अच्छा रहता है। आज कढ़ी चावल है और डेली यहाँ पे छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल, ऐसे प्रत्येक दिन यहाँ रहता है। कितनी मदद मिलती है हर एक वर्ग के लोगों को, कोई भी आकर खा सकता है यहाँ पे? जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जिन दिहाड़ी मजदूर हैं, जो पूरे दिन काम करते हैं, दोपहर को उनको कहीं खाना खाने का भी वो नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, दिहाड़ी मजदूर के लिए, जो काम करते हैं घरों में जाके, लेडीज़ होती हैं घरवाली, उनके लिए ये विशेष सुविधा दी गई है सांसद जी के माध्यम से, पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्रीमान गौतम गंभीर जी के द्वारा। 1 रुपये की थाली किस तरह से शुरुआत करी, अच्छी लगती है शुरुआत? बहुत बढ़िया। किस तरह से मिलता है 1 रुपये की थाली? चीज़ें मिलती हैं, कढ़ी चावल, अचार, सलाद। कैसा मानते हैं ये? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, खाने से काफ़ी कम रेट पे मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है। 1 रुपये के मिल रहा है, इसलिए 1 रुपये में क्या चीज़ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। काफ़ी अच्छी है, टेस्ट है खाने में? बहुत टेस्ट, बस। ये कैसी लगती है 1 रुपये की थाली खाने में? अच्छी लगती है जी। हाँ जी, टेस्ट कैसा है? क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि 1 रुपये की थाली है पर टेस्ट वो नहीं आता है, जो चीज़ें वो होती है खाने में वो नहीं होती। सब कुछ भरपूर है? बिल्कुल भरपूर है, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल अच्छा लगता है। कोई बस नमक में दिक्कत होती है थोड़ा बहुत, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो हमने रख रखा अलग सामान कि भाई डाल ले जितना खाना। तो आप खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, तो कितने लोग तकरीबन आ जाते हैं? लोग जी यहाँ से 300-350 के पास लोग आ जाते हैं, उतना ही खाना खिला देते हैं। हाँ जी, जो एक दो बाद में आ जाता है बचता है लड़का, तो उसे भी खिला देते, जो कम। हाँ जी, भूखा नहीं जाता जी, खाने वाले का नाम अभी जी जी। हम लोग तो देखिए सुबह लेकर आते हैं, इसलिए खाना बढ़िया बनाते हैं, कोई भी हमको शिकायत नहीं करता है जी। और 1 रुपये की थाली की जो शुरुआत है, काफ़ी अच्छी शुरुआत की है इन सभी ने। हम भी 1 रुपये की अभी थाली लेंगे और देखेंगे कि क्या है टेस्ट और कैसा टेस्ट है। 1 रुपये की थाली जो मशहूर हो चुकी है वो हम ले चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे चावल, कढ़ी और सलाद पूरा इसमें दिया गया है ताकि लोगों को भरपूर खाना मिल सके। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, भरपूर है, उसकी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है और हम भी ये अपील करते हैं कि जनता आकर इसको देखे,
और परखे की किस्तहा से शुरुआत की है, क्योंकि हर एक वर्ग तक लोगों को पोषने में सबसे बड़ी अहम भूमिका यही निभाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।